रांची में निजी लैब मालिकों को आज स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि उनके लैब में कोरोना टेस्ट देने आने वालों का तब तक जांच नहीं होगा जब तक कि वे अपना पता और मोबाइल कंफर्म न करा लें। साथ ही उनसे अंडरटेकिंग लेने का भी निर्देश निजी लैब वालों को दिया गया है ताकि टेस्ट पॉजिटिव या निगेटिव की स्थिति में उनको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। साथ ही जांच के बाद जो भी परिणाम आते हैं उसकी सूचना पहले प्रशासन को दिया जाएगा। दरअसल आज रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने निजी लैब वालों के साथ बैठक की और इस बैठक में लैब मालिकों को कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। आज हम लोग प्राइवेट लैब जितने भी लैब्स हैं जहाँ टेस्ट हो रहा है कोविड को लेकर उन सभी लैब के लोगों के साथ बैठक की गई है और उनको निर्देशित किया गया है कि जितने भी पेशेंट लोगों का टेस्ट कर रहे हैं उन सभी का अल्टरनेटिव नंबर वो एक बार खुद कॉल करके जांच लें, उसके बाद ही उसका नंबर नोट करेंगे और उनका एग्जैक्ट एड्रेस के बारे में भी थोड़ा सा छानबीन करके उसका एड्रेस लिख करेंगे। दूसरा है कि जो रिजल्ट उनका आता है वो पहले हम लोगों को सूचित करेंगे जिला प्रशासन को, उसके बाद ही पेशेंट को सूचित किया जाएगा और उनसे एक अंडरटेकिंग भी लेनी है पेशेंट्स को कि वो जब तक उनका रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं आता है तब तक वो होम आइसोलेशन में घर पर रहेंगे, इधर उधर ना घूमेंगे। तो ये तीन इंस्ट्रक्शन उनको दिए गए हैं। असल में रांची डीसी ने इस तरह के निर्देश इसलिए दिए हैं ताकि कोरोना पॉजिटिव गलत जानकारी देकर भाग नहीं जाए, क्योंकि इसके पहले भी कई पॉजिटिव को तलाशना झारखंड सरकार के लिए कठिन हो गया था। रांची से खुलासा के लिए रिकी राज की रिपोर्ट।